पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। दोस्तों, गदर में अमरीश पुरी और सनी देओल की जो आपस में डायलेक्ट डिलीवरी थी, पब बहुत ही फर्स्ट क्लास थी, आला दर्जे की थी, बेहतरीन थी। ये डायलेक्ट डिलीवरी शायद ही कोई दूसरा विलन रिप्लेस कर सके, चाहे ये वाला डायलॉग हो हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद या मुर्दाबाद, या फिर ये डायलॉग हो कि ऊपर से हुक्म है कि तुझे पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा, तुझे वीजा नहीं मिलेगा। इकबाल साहब, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। मुझे मेरे बच्चे को उसकी माँ से मिलाने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। या फिर गदर के सुपर डुपर सॉन्ग्स हो, आज परदेसी तेरी मेरी एक जिंदड़ी, या फिर हो ये गाना मैं निकला ओ गड्डी लेके, फिर जाने वाले मुसाफिर, जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब दे हवाले। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे पर फिल्म थी, जहां पर इंसानियत बेशर्म हुई थी और इंसान ने इंसान का कत्ल किया था। यूं कह लीजिए कि इस दिन भगवान, अल्लाह, जो भी, सब सो रहे थे। उस्मान, जुमान, परवेश, गेट को मजबूती से बंद कर दो। दोस्तों, ये तो थी गदर वन की स्टोरी, जो कि उस अपने समय में सुपर डुपर यानी ब्लॉकबस्टर रही थी। और अब ये नंबर दो, जो गदर टू नंबर टू बन रही है, इसके ऊपर माथा पिची हो रही है कि कौन सा इस फिल्म में विलन बनेगा। दोस्तों, ये फिल्म इतनी स्टोरी को इतना सीक्रेट रखा गया है कि हर कोई अपने अपने क्याज लगा रहा है, अपने अपने अंदाजे लगा जा रहा है। कोई कह रहा है कि इसमें संजय दत्त आएगा विलन, कोई कह रहा है इसमें डैनी आएगा, कोई कह रहा है प्रकाश राज आएगा जो साउथ में सुपर विलन है। तो अभी एक और जो नाम जुड़ रहा है वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये भी कहा जा रहा है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसमें विलन आएंगे और इन्होंने अनिल शर्मा के साथ बहुत सी फिल्मों में काम किया। भाई कुछ भी हो, लेकिन अमरीश पुरी की जगह भर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो जिम्मेदारी अभी अनिल शर्मा जी के ऊपर और सनी देओल जी के ऊपर आई हुई है, वो बहुत बढ़िया, क्योंकि उतना स्टैंडर्ड मेंटेन करना शायद मुश्किल हो, लेकिन अगर हो गया तो ये भी फिल्म छप्पड़ फाड़ के पैसा कमाएगी। दोस्तों, ये फिल्म में ये फिल्म के बारे में ये भी कहा जा रहा है इसमें अमरीशा पटेल भी है और इसमें तारा सिंह तो होगा ही होगा, सनी देओल, और उसके साथ ही इस फिल्म में अनिल शर्मा का लड़का भी होगा जो कि इस समय आर्मी में काम करेगा, और वो पाकिस्तान में पकड़ा जाएगा, और पाकिस्तान पकड़ा जाएगा तो सनी देओल उसको लेने के लिए जाएगा। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, मुझे जरूर बताना कि कौन सा विलन इस फिल्म में होना चाहिए। अगर कोई और भी हो विलन हो तो वो भी, उसका भी नाम नीचे लिख के बताना। लेकिन दोस्तों, ये भी सुना जा रहा है कि शाहरुख खान भी इस फिल्म में एडिटिंग कर रहे हैं चिली एंटरटेनमेंट की तरफ से, तो शाहरुख खान का भी नाम इस फिल्म में जुड़ता जा रहा है। तो शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ये इस फिल्म को बनाने में और अच्छा किरदार करेंगे। दोस्तों, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म भी पहली फिल्म की तरह सुपर डुपर होगी। मैं अगले नई वीडियो के साथ फिर आ जा रहूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो
हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। दोस्तों